हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमली, एज द वर्ड लाइक इज यूज्ड इन दिस एग्जांपल। लेट्स सी सेकंड, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। हियर इज मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, because as like so this kind of words is not used. The camel is the ship of the desert. Next one, opportunity knocks at the door but once. It is an example of personification. Personification is really a special kind of metaphor. It is figure of speech in which abstract ideas are spoken as they are human beings. Now see next example, all nature wept at his death and the flowers were filled with tears. This is example of pathetic fallacy. जब किसी व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं वो किसी नेचुरल चीज़ में देखी जाती हैं तो वहाँ pathetic fallacy होती है। Now next example, O wild west wind, thou breath of autumn's being. This is an example of apostrophe. In apostrophe we address something. Now let's hyperbole. इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Here is the smell of blood still. All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. यहाँ अभी भी blood, खून की बदबू है और पूरे अरब देश का इत्र इसको माका नहीं सकता। तो यहाँ हाइपरबोल का यूज किया गया है, अतिशयोक्ति। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटोनीमी। मेटोनीमी मीन्स आफ्टर अ नेम मीन्स लिटरली सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। मीन्स वी यूज समथिंग एज सब्स्टिट्यूट फॉर द नेम आर एनी थिंग। हेयर पेन इज फॉर आथर, सोर्ड इज फॉर सोल्जर। सो हेयर इज मेटोनोमी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रैंक एंड फाइल स्ट्रीम्ड आउट ऑफ द सिटी टू सी द साइट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिनिक डोच। यहाँ जब एक पार्ट पूरे होल को व्यक्त करे या होल एक पार्ट को व्यक्त करे तो यहाँ सिनिक डॉच होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीमोरन का देखते हैं। ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास, जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट या एक खुला रहस्य है। यह रहस्य है तो खुला कैसे है, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरन विरोधाभास है। नेक्स्ट एंटीथेसिस के एग्जांपल देखते हैं। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। God made the country but man made the town. This is example of antithesis. Anti means against, thesis means placing. Anti means against, thesis means placing. In this figure of speech, idea or one word is set against another with the object of heightening the effect of what is said by contrast. So God made the country but man made the town में antithesis है। ओनोमेटोपोइया, इसका एग्जांपल देखते हैं। ओनोमेटोपोइया, द मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर व्यूज। जो मक्खियों की भनभनाहट है गर्मी के शाम को। तो यहाँ साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग इस फिगर ऑफ स्पीच में, तो इसमें ओनोमेटोपोइया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एपिग्राम का। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, या एपिग्राम है। ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग एक्सप्रेसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज आर एक्साइटिंग सरप्राइज इज कॉल्ड एपिग्राम। जिसमें ऐसा होता है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट आयरनी का एग्जाम्पल देखते हैं। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट आई कम टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। या विलियम शेक्सपियर की जूलियस सीजर से लिया गया है, इसमें आयरनी है।
इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच में जो रियल मीनिंग होती है वो दिए गए कि जस्ट अपोजिट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पन पन फिगर ऑफ स्पीच, इसका एग्जांपल देखते हैं। एन एम्बेसडर इज ए जेंटलमैन हु लाइज एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर ऐसा जेंटलमैन होता है जो बाहर विदेश के देश में रहता है, अपने देश के हित के लिए बाहर रहता है। व्हेन वी यूज द सेम वर्ड इन टू आर मोर सेंसेज इन ऑर्डर टू मेक द पीपुल लाफ वी इम्प्लाय द फिगर ऑफ स्पीच पन। तो यह एन एम्बेसडर इज ए जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, यह पन का एग्जाम्पल है। और अब देखते हैं एलिटरेशन का। हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, तो यहाँ एलिटरेशन है जब रिपीटेशन होता है लेटर्स और सेलवल का और सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू आर मोर वर्ड्स इन ए लाइन। तो यहाँ क्या होता है कि एलिटरेशन होता है जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे इसमें हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, इसमें एच का रिपीटेशन हो रहा है। और अब देखते हैं ट्रांसफर्ड इफ ही थेट द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, इसमें ट्रांसफर्ड इफ ही थेट है और इसमें ट्रांसफर्ड किया जाता है फ्रॉम पर्सन टू एन ऑब्जेक्ट कोई चीज, या फ्रॉम वन वर्ड टू अनादर। जैसे द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, वियरी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लाउमैन टू द वे, जो वियरी है उसको ट्रांसफर किया गया है वे के लिए, यहाँ इसलिए ट्रांसफर्ड इफ इट थेट है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। थैंक यू।